तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर रहे थे, तो इसमें हम लोग कुछ भूल गए थे इसमें कि हमने प्रोडक्ट टाइप था यहाँ पर। तो हमने जो बंडल यहाँ सेलेक्ट किया था वो तो कंटेंट टाइप में हो गया। प्रोडक्ट टाइप भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा मैंस एंड शूज़, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टाइप हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये प्रोडक्ट टाइप यहाँ सेलेक्ट करोगे, जब आप मैपिंग में जाओगे, तब आपके पास यहाँ पर जो आपने उस प्रोडक्ट टाइप में जो चीज़ें ऐड की थी, जैसे कि हम लोग साइज़ ऐड कर रहे थे, तो साइज़ हम लोग ऐड करेंगे, तो अब हमारे पास ऑप्शन है साइज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर लेना कि आपका जो प्रोडक्ट टाइप है यहाँ पर सेटिंग में, जो प्रोडक्ट टाइप है जो आपका, वो वही टाइप होना चाहिए जो आप जिस प्रोडक्ट मतलब जिस जिसमें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट टाइप को आप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमारा मैपिंग में क्या बचा, हमारा बचा साइज़ हो गया हमारे पास। अब हमारा हो गया ब्रांड, ब्रांड भी हमने कर लिया, ब्रांड हमारा हो गया, ठीक है। और हमारा बचा कलर, ठीक है, कलर ले लिया हमने, ठीक है, कलर हमारा हो गया कलर, ठीक है। और इसके बाद हमारा होता है इमेजेस, ठीक है। तो इमेज ले लेते हैं हम लोग, इमेज इमेज कहाँ गया, ये हो गया इमेज का हमारा। वो अल्ट और टाइटल अगर आप डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास, तो आपको सीएसवी में एक और ऑप्शन देना पड़ेगा, अल्ट और टीआर टाइटल का, ठीक है। और हम लोग फिलहाल इसमें यूआरआई डालेंगे तो इमेज के लिए, तो ये हमारा हो गया सेव। तो इसमें हो गया ये पूरा कि अब हम लोगों ने प्रोडक्ट इम्पोर्टर बना लिया, जिसमें हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ें हैं यहाँ पर, एसक्यू आप यहाँ पर यूनिक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट की यूनिक होती है, तो इसको आप यूनिक रखेंगे। अगर आप चेंज कुछ करना चाहते हैं यहाँ से, इसकी मुझे जो मैं टर्म नेम नहीं डाल के मैं टर्म आईडी डालूँ, ठीक है, तो आप टर्म आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको ज़रूरत लगे। तो इसी तरीके से आप ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं, सेव तो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट इम्पोर्टर प्रोसेसर के थ्रू। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो हमें करना है प्रोडक्ट नोड इम्पोर्टर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब चल के देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और आ रहा था यूज़र इम्पोर्टर और एक नोड इम्पोर्टर, तो वो दोस्तों इस मॉड्यूल की वजह से आ रहा था। जब आप इसको इम्पोर्ट करेंगे, जब इसको आप ऑन करेंगे फीड इम्पोर्टर, ठीक है, तो इसको जब आप ऑन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नोड इम्पोर्टर का ऑप्शन मिलेगा, एक यूज़र इम्पोर्टर का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आपको नोड भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, आप यूज़र इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमको इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसको ऑफ़ कर दिया, ठीक है। तो ऑफ़ कर दिया तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ रहा था वो चला गया, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा इम्पोर्टर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें सीएसवी के थ्रू प्रोडक्ट प्रोसेसर में हम लोग इम्पोर्ट कराएंगे, जो इम्पोर्ट कराएंगे प्रोडक्ट वो हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे। और इसके बाद हम लोग एक और प्रो इम्पोर्टर क्रिएट करेंगे फॉर नोड डिस्प्ले पर, प्रोडक्ट डिस्प्ले पर्पज़ से, ठीक है। उसको भी फिर सीएसवी के थ्रू हम लोग इम्पोर्ट कराएंगे। तो हम लोग सीएसवी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।